दांत की तस्करी के लिए शिकार। ये वारदात है बलरामपुर के वाड्रफ नगर की, जहां के जंगल में गिरोह ने बिजली के करंट से हाथी का शिकार कर डाला। हाथी दांत के काले कारोबार के लिए किए गए इस गुनाह का पर्दाफाश किया है बलरामपुर के वन विभाग ने। इसकी गिरफ्त में आए 8 तस्करों ने ऐसे चौंकाने वाले राजफाश किए हैं जिन्हें सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हाथी दांत के तस्कर गिरफ्तार, 3 हाथियों के शिकार का खुलासा। वन अमले की गिरफ्त में 8 आरोपी, करंट लगाकर करते थे हाथी का शिकार। बलरामपुर में बेशकीमती हाथी दांत की तस्करी के लिए हाथियों का शिकार करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। हाथियों का शिकार बीते 1 सप्ताह के दौरान किया गया था, जिसका पर्दाफाश करते हुए जिले के मुख्य वन मंडल अधिकारी ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हाथी के 2 दांत समेत बिजली के अन्य उपकरण बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल हाथियों का शिकार करने के लिए किया जाता था। 1400 मीटर लंबाई में कक्ष क्रमांक P617 वन खंड शंकरपुर में फैला दिया गया था। रात के लगभग 11 बजे इसे बिजली के खंभे से जोड़ दिया गया और करंट प्रवाहित किया गया। दूसरे दिन जब सुबह ये लोग स्थल पर आए तो एक नर हाथी, जिसकी उम्र डॉक्टरों द्वारा लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है, इसे मृत पाया गया। गिरोह के 8 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि हाथी दांत की तस्करी के गोरख धंधे में कुल 11 आरोपियों का हाथ था, जिसमें से 8 की गिरफ्तारी करने के बाद बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रघुनाथ नगर वन पर क्षेत्र के सोनक गांव के टोका डांड पारा में एक हाथी मरा हुआ मिला था। इस घटना के सामने आने के बाद वन अमले में हड़कंप मच गया था। जब जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में करंट लगने से हाथी की मौत सामने आई, तब इसमें शिकार और तस्करी के गोरख धंधे का शक पैदा हुआ था। इस विषय में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। हाथी अनुसूची 1 में दर्ज वन्य प्राणी है, अतः वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 11, 12, 29 एवं 31, 32, 35, 39 के तहत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में 3 मुख्य अपराधी अभी फरार हैं। गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद वन विभाग ने 2 हाथी दांत जब्त किए हैं, जिनमें से 1 दांत 130 सेंटीमीटर लंबा है, 33 सेंटीमीटर मोटा और 15 किलो 900 ग्राम वजनी है, जबकि दूसरे दांत का वजन 16 किलो 400 ग्राम है और वह 150 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर मोटा, जिनकी बाजार में अच्छी खासी कीमत है। अपराधी जो है पकड़ में आया, दूसरा वहां से भाग गया, तो अतः अभी मुख्य अपराधी में से केवल एक जो प्लान जिन्होंने किया है उसमें से एक ही हम पकड़ पाए हैं, जो कि यहां से नहीं थे, जिनको कल रात में हम लोग रखे। वहीं जिले के राजपुर वन क्षेत्र के गोपालपुर जंगल में हुई दंतेले हाथी की मौत के बारे में खुलासा करते हुए डीएफओ ने बताया कि हाथियों के आपसी संघर्ष में एक हाथी के शरीर में चोट आई थी, जो बाद में उसकी बीमारी और मौत का कारण बना, जबकि वन अमला बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई कर रहा है। हवालात के लिए वाड्रफ नगर से सुदीप उपाध्याय की रिपोर्ट। हवालात में बस एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां युवक को उसके ही रिश्तेदारों ने घर में घुसकर बनाया गोली का निशाना और कैसे रायपुर के कारोबारी को उसके पार्टनर ने लगा दिया 3 करोड़ रुपए का चूना।